सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दे अध्याय 24वें विच अज आपां पांडवों का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल ये प्रसंग सरवण करिए। प्यारी साह संगत जी, जिवें कि आपां जाणदे ही हाँ कि पिछले प्रसंगां विच श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी ने एक दुखी साहूकार नूं अपने पवित्र मुखारबिंद तों एक शब्द सुना के निहाल किया सी, जो कि इस प्रकार है। श्लोक महला पहला, सहंसर दान दे इंदर रोआया, परसराम रोवै घर आया, अजय सो रोवै भीख्या खाए, ऐसी दरगह मिलै सजाए, रोवै राम निकाला भया, सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दह सिर लंक गवाए, जिन सीता आदि डौरू वाए, रोवै पांडव पए मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। सो साह संगत जी, इस शब्द विच एक तुक आउंदी है, रोवै पांडव पए मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। सो भाई मरदाना ने गुरु जी नूं बेनती कीती कि इस तुक दे अर्थ सानू समझाओ। सो सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी इस शब्द की कथा इस प्रकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी पांडवों के पास रहिंदे सन, एक बार सारे पासे जित प्राप्त कीती अते भारी राजसू नामी यज्ञ किया। बहुत पदार्थ घर विच आए, सारे देशां दे राजे महाराजे पैरी पै गए। एक समय दुर्योधन दे पास गए जिथे विशाल सभा लगी हुई सी। उन्हां नाल बैठ के जुआ खेडिया, पहला दा धन दा लाया, फिर बहुत हाथी घोड़े हराए अते फिर रथ गहने अते पिंड दा ते ला दिते। नगर देश सारा हार गए अते बना विच जाना मन गए। जद द्रौपदी भी हार दिती तां खोटी मत वाला दुर्योधन बहुत खुश होया। केसा तो फड़ के लै गए, किसी ने भी यह ना कहा कि द्रौपदी नूं छड़ दिओ। सारे दरबार विच खड़ी करके कहण लगे कि इस दे कपड़े उतार दिओ। फिर आप कपड़े उतारन लगे पर साड़ी उतार दे हार गए। साड़ी मुकदी ही नहीं सी, इंज लगदा सी जिवें ए नारी साड़ी दी ही बनी हुंदी है। सभा विच साड़ियां दा ढेर लग गया, एडा वड्डा ढेर सी कि उसका पार नहीं सी पाया जा सकता, एडा उच्चा ढेर सी कि दूसरे पासे दे मर्द दिखाई नहीं सी दिंदे। इस तरह जगत दे मालक ने रख्या कीती। फिर बण विच चले गए, उत्थे बहुत कष्ट सहार दे रहे। 12 साल जंगलां विच फिरदियां ही गुजार दिते, 13वें साल छुप गए। विराट नामी एक मदर देश दा राजा सी, उसदे पास पहुँच गए। युधिष्ठर राजे नाल चौपड़ खेड़िया करदा सी अते उसने अपना नाम कंक रख लिया। भीमसैन रसोईया बन गया ते उसने अपना नाम बल्लभ रख लिया। वह भोजन तैयार करन दा सारा काम करदा सी। शस्त्र अस्त्र सारे बाहर ही रख आए सन ते अर्जन इस्त्री दा वेश धार के हिजड़ा बन गया। उत्तरा नां दी एक विराट राजे दी पुत्री सी, उसनू ओह नाच सिखाउण लग गया। घोड़ पालक दा भेस बना के नकुल ने राजे पास घोड़ियां दी संभाल दी नौकरी कर ली। सहदेव ने ग्वाले दा भेस बना लिया ते गवां पालन दी सेवा करन लगा। सारे छुप के रहण लगे अते कोई भी भेद ना जान सकिया। राजा द्रौपदी दी पुत्री द्रौपदी राजे दी राणी दी दासी बन गई। द्रौपदी जिसदा शरीर बहुत सुंदर सी, राजे दी राणी दी सेवा करदी रही। द्रौपदी दियां नागण वर्गियां केसां दियां लटां सन, तीर कमान वांग टेढ़े सोहणे परवटे सन, मर्तबान दे फुल वांग दंद सन अते मुखड़ा पूर्णमाशी दे चंद्रमा वर्गा सी। कामदेव दी इस्त्री रति भी उसकी सुंदरता वेख के अपने आप नूं तुच्छ समझदी सी। दोवें स्थान काम दे नगारे सन। सब जग जित के
मानो उल्टे कर दिते सन। दीवे दी लाट वर्गी कोयल वांग सुरीली आवाज सी, हाथी वांग उसकी मस्त चाल सी, अते हिरन दे बच्चे वर्गे सुंदर नैण सन। जिहड़ियां पहलां बहुत दासियां सन ओह मुखड़े नूं वेख के हाथ जोड़ के सेवा करदियां सन। राजे विराट दी जिहड़ी राजधानी सी द्रौपदी उत्थे दासी बन के रह रही सी। उत्थे रहिंदिआं द्रौपदी ने कहा कि पंज गंधर्व मेरे रखवाले हन, जिहड़ा भी मेरे वल काम दी दृष्टि नाल वेखेगा बहुत बलवान गंधर्व उसनूं मार देणगे। सारे नूं अजिहे बचन सुना दिते, फिर राणी दी सेवा करन लगी। कई दिन जद उत्थे रहिंदिआं बीत गए, पांडव लुके रहे अते कोई जाण ना सकिआ। राणी दा इक भरा सी क्रीचक, उसदा नां सी ते ओह बहुत बली सी। सहसवा एक दिन अपनी भैण पास आया, द्रौपदी नूं वेख के भरमा गया। 10,000 हाथियां जिन्ना जिस विच बल सी, अपनी ताकत दे नशे विच ओह सुध बुध खो बैठा सी। जद उसने द्रौपदी दे रत्ना वर्गे लाल नेत्र वेखे, मानो श्रेष्ठ सूरमे ने तीर मारिया होवे। काम दे सागर विच धीरज रहित होकर डुब गया। किवें हुण ज्ञान रूप किनारे ते पहुँचे, कायल होके उस वेले तड़फण लगा अते काम तो आतर होके बोलिया, हे दासी तू बहुत प्यारी लगती है। उसने द्रौपदी नूं अभद्र भाषा बोली अते माड़ी हरकत करन दी कोशिश कीती। द्रौपदी यह सुन के कहण लगी, पंज गंधर्व मेरे राखे हन, जे मेरे वल काम दी दृष्टि नाल वेखेंगा तां ओह तैनूं मार देणगे। काम दे नशे विच होण करके कुछ ना मन्निया, द्रौपदी दा हथ अपने हथ विच फड़न वास्ते दौड़िया। डरदी होई चंद वांग दौड़ी, जिवें ओह राहू तो डर के इंद्र दे पास जांदा है। जिथे विराट ने सभा लगाई सी, उच्ची उच्ची पुकार दी दौड़दी उत्थे आ गई। सभा विच युधिष्ठर भीम नकुल अते सहदेव बैठे राजे दी सेवा कर रहे सन। द्रौपदी चित्त विच बहुत दुखी हो के राजे पास दुख पुकारन गई। सारे लोग अखां नाल वेख रहे सन, उसनू कोई भी छुड़वा ना सकिया। क्रीचक भी उसदे पिछे भज्या ते सभा दे विच जा के उसनू फड़ लिया। उसनू महाबली जाण के राजे ने भी उसनू हटाया नहीं। हाथी ने जिवें वेल नू खिच लिया होवे, द्रौपदी नू फड़ के क्रीचक ने लत मारी। भीम वेख के बहुत गुस्से नाल भर गया, मुख अते अखां लाल कर लईयां। युधिष्ठर ने अखां दी सहनत नाल रोकिया, जाहर होण दे डर तों बचन ना बोलिया। महाबली पति कोल ही बैठे सन, उहनां दे सामने द्रौपदी नू फड़ के घर नू लै चलिया। फिर पांडव मिल के उस थां रोए, हुण हार होणी टालिया नहीं टलदी है। मन विच बहुत दुखी होए, ज्ञान तों बगैर किसी नूं भी सुख प्राप्त नहीं हुंदा। द्रौपदी दुखी हो के राजे नूं कहण लगी, हे राजा तैनूं तिरकार है, तू वड्डा भैड़े धर्म वाला है, तेरी कुकर्मी सभा मैं वेख ली है, तू टेढ़ा पापी अते दुष्ट मत वाला है, तैनूं तिरकार है कि तू क्रीचक नूं रोकदा नहीं। जिहड़े इह सभा विच बैठे हन इन्हां नूं भी तिरकार है, वेखो इन्हां दा बल खत्म हो गया है। बहुत कुबोल बोल के बहबल हो गई। क्रीचक उसनूं अपनी ताकत नाल खिंच के अपने घर लै चलिया। जद सारे पासियां तों आस उम्मीद खत्म हो गई तां छुटकारे वास्ते आप उपा कीता। जद अधे राह विच पहुँच गई तां क्रीचक नूं कहण लगी, जद रात हनेरी हो जाएगी तां मैनू आ के मिल पैणा, हुण मैनू छड्ड दिओ, दिन है अते अपने मिलण दा टिकाणा दस दिओ। इस तरह सुन के क्रीचक बहुत खुश होया, प्रसन्न हो के मुख तों बोलिया, रात समय चटशाला खाली हुंदी है, उत्थे आ के मैनू मिल पवो। जे रात नू तू ना आई, सवेर हुंदिया ही तैनू फड़ लवांगा, जिवें शेर तों हिरनी छुट गई होवे। इस तरह उसनू छड्ड अपने घर नू चले गई। द्रौपदी दे वाल खिलरे सन ते मुखड़ा कुमला गया सी, मानो चंद्रमा नू हनेरे ने भाव चेहरे नू वाला ने घेरिया है। बुल सुक गए अते सारे अंग ढिले पै गए, धूड़ नाल लिबड़ के शरीर बेरंग हो गया। जद रात पै गई तां राजा सभा विचों उठ के चला गया। दिल विच झूर के पांडव भी चले गए जिथे जिथे ओह रहिंदे सन। भोजन करन वाली जिहड़ी थां सी उत्थे बैठा भीम पछता रहा सी। जद रात होई तां द्रौपदी आ गई।
अते रो के भीम दे गल नाल चिंबड़ गई। ताड़ दे ब्रिछ नाल जिवें वेल लगती है इस तरह रोंदी सी मानो दुखां दे दाग नू धो रही होवे। मुख तो कुछ बोलिया भी नहीं सी जा रहा क्योंकि गला भर आउण नाल आवाज़ रुकदी सी। बहुत डर जाण कारण उसका गला भर आया सी। फिर धीरज धारण करके बोली, पंज पति तुसी मेरे राखे हो, महान सूरमे अत बली अते उत्तम तनुखधारी हो, तुहाडे हुंदियां ताकत नाल क्रीचक मेरा सत भंग करना चाहुंदा है। मैनू उसने चटशाला विच मिलन वास्ते कहा है, जे मैं उस पास नहीं जावांगी तां सवेर हुंदियां ही मैनू फड़ के अपने घर ले जाएगा। ये कह के ठंडे साह भरे, अखां विचों अथरू खलौंदे नहीं सन। वड्डी चिंता दी नदी विच डुब रही सी, कोई उपा रूपी किनारा नहीं सी पा रही। भीम ने कहा, तू दिल विच धीरज धारण करके अपनी रहायश गाह जा, मैं तेरी पीड़ दूर कर देंगा। जिथे मिलन दा क्रीचक ने संकेत किया है उस बारे मैनू चंगी तरह समझा दे। द्रौपदी ने अपने पति नू कहा, मैनू पाठशाला विच बुलाया है। भीम नू चंगी तरह समझा के अपने थां चल के आ गई। रज के भोजन खा के भीम क्रीचक नू मारन वास्ते चल पिया। क्रीचक की कहानी सुनो, उस नाल किवें बीती। दिन बीतता नहीं सी, सारा दिन व्याकुल रहा, चित विच इहो ही सोचता है कि कद मिले जद अपनी मन पौंदी नू अंग संग करा। जद हनेरा होया तां प्रसन्न हो के उठा। जद पाठशाला दे पांदे अपना समान चुक के घरां नू चले गए तां क्रीचक ने एक सुंदर पलंग पाठशाला विच डुहा के उत्ते सफेद सेज विछा दित्ती। थोड़े समय बाद ही जद भीम आया तद पैर दा खड़ाक सुनिया, समझिया सुखदाती हुण मेरे पास आई है। हिरदे विच बहुत खुश होया, अंगां विच समाउंदा नहीं सी। जद पास गया अते हथ फड़न लई हथ चलाया तां उस नूं किसे ने सखत हथ नाल फड़ लिया। बहुत जोर लाया पर अपने आप नूं छुड़वा ना सकिया। उठ के फिर खड़ा हो गया, जफ्फा पा के फड़ लिया। कोई सूरमा पहचाणिया तां फिर लड़ाई होण लग गई। मुक्कियां दे वार करदे सन। लोहा घड़न वाला लोहार मानो लोहा घड़ रहा है। दोहां दा बल बराबर लगदा सी, जिवें दो हाथी लड़दे हन जां दो शेर भिड़दे हन। हिरदे विच बहुत क्रोध है, कोई भी हार मनण लई तैयार नहीं सी। चपेड़ां वज रहियां सन, भिड़न दियां इह पेटावां सन। सूरमे इकट्ठे हो के अभिमान करदे सन। पहर भर जद लड़ाई हुंदी रही तां भीम ने लत दा अड़िका दे के थले सुट लिया। क्रीचक दे उपर चढ़ के भीम ने बहुत गोडे मार मार के धरती ते डेग दिता। दा बचा के भीम ने पैर चुके ते उसदी छाती उत्ते जोर नाल वार किया। सट लगन नाल संभाल ना रही, इस तरह डिग पिया जिवें हनेरी ने वड्डा रुख सुट दिता होवे। भीम फिर बड़े क्रोध विच आ के उसदे उपर चढ़ गया, हथ फड़ के मरोड़ दिता। जद बलहीन हो गया तां भीम ने उसकी दूसरी बांह फड़ी ते उसनू छाती तों उखाड़ दिता। फिर उसका शरीर मरोड़ लिया ते उसनू छाती ते टिका दिता। हाथ पैर चंगी तरह तोड़ के पेट ते चंगी तरह सवार के रख दिते। पाठशाला विच घुमियार दे चके वांग उसके शरीर नू गोल कर दिता ते उसके सिर नू भी चुक के लाश दे विचकार तसा दिता। जद चार घड़ी रात रही तद भीम अपने घर नू चला गया। शरीर बहुत थक गया सी इसलिए सौ गया। नगर विच इस बारे किसी नू कोई खबर नहीं सी। सवेर होई जद सारे लोग उठे तां उन्होंने क्रीचक नू अपने घर विच ना पाया। मन विच बहुत हैरान होए अते चंगी तरह खोज भाल शुरू हो गई। सारे नगर विच रौला पै गया, किसे थां भी क्रीचक ना मिलिया। फिर पाठशाला विच जाके वेख्या तां घुमियार दे चके समान बन्निया पिया सी। अखां नाल आ के वेखदे हन कि सिर तोड़ के पेट उत्ते धरिया है, ना हथ सन ना पैर सन। सारे बहुत हैरान होए पर ये ना जान सके कि यह किवें होया, इसनू किसने मारिया है। ये तां बहुत बलवान सी, इसनू कोई शस्त्र का जख्म भी नहीं लग्या। फिर सारे ने विचार की कि दासी की कही हुई गल सच्ची हुई है, उसदे गंधर्व राखे हैं। अवग्या वेख के गंधर्वा ने इसनू मार दिता है। योधे लड़न तां शरीर ते शस्त्रां दे जख्म लगदे हन, इस तरह का उन्हां गंधर्वा ने ही बनाया है।
उस दे 100 भरा सन। वह बहुत विरलाप ते पुकार कर रहे सन। गहने अते शिंगार नू ला ला के उस दियां नारियां मुख नू पेट रही सन। सारे नगर में शोर मच गया अते सुन सुन के सब वड्डे निक्के आए। भैन वेख के बहुत हैरान हुई, राजा भी बहुत रोया। क्रीचक दे भरावां ने खोटी मत विचारी कि यह सुंदर नारी दे कारण ही मरिया है। कहण लगे उस नारी नू भी इस दे नाल ही साड़ांगे। इस तरह कह के द्रौपदी नू हत्था नाल फड़ लिया। नगर दे बाहर जिखा बनाई सी, बहुत मनुखा ने द्रौपदी नू चुक लिया। रखवालियां तो बगैर उसनू हत्था नाल फड़ के लोग उसनू साथ लैके चल पए। बरीक वस्त्रां विच देही झलक रही सी, शीशे विच जिवें दीवे दी लाट चमकदी है। लोग वेख के कह रहे सन बिना अपराध दे मारी जा रही है। लोकी कह रहे सन कि कोई नहीं मानदा किसनू कहीए, क्रीचक मरन दे दुख विच इसनू साड़ रहे हन। बहुत नर नारियां मिल के विरलाप किया कि द्रौपदी नू बड़ा भारी दुख आ पिया है। हत्थां नाल फड़ी होण करके द्रौपदी व्याकुल होई सी। कोई भी रखवाला नेड़े ना वेख्या। रोंदी दे नैणा विच पानी झलकदा सी, मानो जल विच दो मच्छियां चमक रही सन। बुल सुके सन ते बोलिया नहीं सी जांदा। खिलरे वाल बहुत डराउणे लग रहे सन। सिर दे पिछे गुत नू संभालण दी कोई सोझी नहीं सी। सारे भीम दे घर वल गए। जद भीम ने कन्नां नाल बहुत शोर सुनिया तां नींद छड के उठिया। फिर उधर गया जिथे भीड़ लगी हुई सी। द्रौपदी नू बहुत व्याकुल वेख्या, जिसका कमल वर्गा मुखड़ा कुमलाया होया सी। उसने द्रौपदी नू नैणा दी सैनत नाल समझाया, मैं आके तेरी सहायता करदा हाँ। द्रौपदी ने कुछ धीरज धरिया। नदी विच डुबदी दा जिवें उसने हथ फड़ लिया सी। जिथे चिता बनाई सी सारे उत्थे चले गए। उत्थे लोकां दा इक वड्डा इकट्ठ इकत्र होया सी। भीमसैन ने अपना भेस बदल लिया अते छाल मार के किला टप गया। वड्डी उजाड़ दे विच गया, एक सुक्का रुख अपने हाथ विच नाल पुट लिया। क्रोध धार के फिर वापस आया। वह तुरंत उस जगह पहुँच गया जिथे द्रौपदी नू फड़िया होया सी। वैरियां नू मारन वास्ते उसने भयानक भेस बनाया सी तां कि द्रौपदी नू बचाया जा सके। नेड़े जाके द्रौपदी नू दिखाई दिता। उसनू वेख के द्रौपदी उच्ची दित्ती बोली, गंधर्व जो मेरा राखा है वह आ गया है। तुसी चंगी तरह वेख लो, भज जाओ अते मैनू छड़ दिओ, नहीं तां इह हुणे तुहानू मार देवेगा। द्रौपदी दी गल सुण के सारे वेखण लगे। भीम दा भयानक भेस वेख के सारे भज गए। कोई भी किसे नाल बोलदा नहीं सी, सारे अपने प्राण बचाउणा चाहुंदे सन। भीमसैन बड़े गुस्से विच आ के अगे वध्या, सब सूरमियां नू घेर लिया जिहड़े उहनां दे अगे आए। क्रीचक दे 100 भरावां अते होर सूरमियां समेत सारे योधे भीमसैन दे सामने मैदान विच नित्र पए। हथियारां दे वार करन लगे, मारो मारो सारे पुकारन लगे। अखां लाल करके बहुत गुस्से विच आए। भीमसैन ने रुख मार मार के सारयां नू जमा दे घर विच भेज दिता। क्रीचक दे सारे भरा उसने मार दिते अते कुछ सूरबीर भी मारे। फिर उजाड़ विच चले गया, उत्थे जाके अपना पहला भेस धारण कर लिया। एक क्रीचक दा बदला लैण वास्ते द्रौपदी नू साड़न गए सन। उत्थे 100 भरावां समेत सारे सूरमे सड़ गए। इस प्रकार यह प्रसंग होया। हे स्रोता गणो, हिरदे विच उत्साह भर के सुनो। जिहड़े सब तरह नाल समर्थ सन वह सारे इस दुनिया तो कूच कर गए अते कोई भी ना रहा। जिन्हां दे हिरदे ज्ञान है वह सदा ही सुखी रहिंदे हन अते उहनां नू कदे भी दुख नहीं वापरदा। सो साध संगत जी, इत्थे श्री गुरु नानक प्रकाश ग्रंथ दे 24वें अध्याय की समाप्ति हुंदी है जी। प्रसंग सुणाउंदे होए होईआं अनेक भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी जी। दास नू आग्या दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।